बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नबील लातिफ और आपसे मुखातिब हूँ पंजाब टीवी बहावर नगर से। व्यूअर्स, आज आए जी हैदरी गोट फार्म पे। हैदरी गोट फार्म की आपको बकरियाँ दिखाने वाले हैं और जो इनके पास बकरा है बाबा सफदर जी के पास, वो भी दिखाने वाले हैं। बकरियाँ आपको चेक करा रहे हैं, माशाल्लाह खूबसूरत क्वालिटी में बकरियाँ हैं जी। पहले भी हमने 3-4 वीडियो बना चुके हैं जी बापे जी की, और आज की जो गुफ्तगू है वो स्पेशल होगी जी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। माशाल्लाह जी बकरियां एक एक करके तो चेक करावेंगे, नाल भी बाबे की गुफ्तगू सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है? ठीक हो? काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनती पई जी आपने, तो सर्दी भी स्टार्ट हो गई, सर्दी से खुराक भी आप दसनी है की खिलाते पे हैं। तो एक तो मक्की का बड़ा रौला पे होया, तो फार्मर ने जड़े हजरात ने उन्होंने पाया होया कि कोई कहते नहीं खिलानी, कोई कहते खिलानी है। अच्छा, मैं आज तो तकरीबन 5-7 दिन पहले एक महफल च बैठा सी, तो फार्मर भी बड़ा व्डा सी, नाम तो मैंने लेना क्योंकि नाम पहले भी एक दफ़ा मैं लिया से, मैं हाँ जी मुनासिब नहीं लगा, तो उन्होंने मक्की तो बड़ा मना किया। किन्ने टाइम तो खिला पे हो जी मक्की? तो कोई नुक्स नहीं बने बकरियां? अच्छा, अच्छा मक्की वैसे रेट बाबा की चल रहा है? फिर भी इनका जो 2500 रुपया इजाफी है गंदम का। दूसरा गंदम दो या त्रै छह मक्की तो 18 चीजा निकल तेल भी है। अच्छा अच्छा, ग्लूकोज भी बेशुमार। ठीक है, मक्की बकरी तैयार भी बड़ी जल्दी होंगी जी अगर सुकी मिल जाए तो। माशाल्लाह खूबसूरत बाबा जी दे बकरा। बाबा जी अजकल के रखे हो जी? यूमन का पुत्र सैयद अली शाह साहब को चेक कराओ खान जी, ले आओ खान बकरा जी। बकरा भी तो रिजल्ट उनका आया होया अपने को? अच्छा रिजल्ट आया जी, बच्चे भी तुम दिखाने जी उन्होंने वीडियो के, इंशाल्लाह लाजमी दिखावे बच्चे भी। पहले बकरा तुम चेक करा दी, चार दंद फ्रेश? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चार दंद बकरा जी चेक कर लो। ये सैयद अली शाह साहब को यूमन बकरा सी उनका पुत्र है जी, माशाल्लाह उधरों नाज होता माशाल्लाह जी। ये आला बाबा जी की हाइट की जाए पमैश कि को 43-44? अच्छा माशाल्लाह, मुँह कि चार दंद दसते पे हो? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चा है जी, चार दंद। तो बाकी जरा सा प्यो वर्गा है जी, इनका सीना चेक करो एक दफा, मैं तुम तो सीना भी दिखाया से इनके प्यो का भी, इनका भी चेक कर लो, बाजू जड़े ने वो भी देख लो तुम। माशाल्लाह बाबा जी, रिजल्ट क्यों जे आया इनका? मेहनत बड़ा मुतमिन जी। अच्छा। बकरे ले बड़े कीते अपने एदे जे आगे नहीं आ मेरे को। अच्छा बाबा जी, एक वीडियो तुसी लाई सी व्हाट्सएप ते, वो अपना बकरी ने चार बच्चे दिते से, वो ते दिखा दियो। हां जी वो ले आओ, वो बकरी दिखाओ जी। मकौड़ी उनका नाम है जी, ते बकरे का की नाम रखे जी? बकरे का नाम है जी मार्शल। मार्शल माशाल्लाह, मार्शल बकरे का नाम रखे जी। ये वाली बकरियां खड़े ने माशाल्लाह, इत्थे करते आ जाओ बाबा जी। बकरियां भी नजर आ रही माशाल्लाह। ये वाली बकरी है जिन्हें चार बच्चे दिते बाबा जी, की दिता इन्हें? चारे बकरे दिते ने माशाल्लाह, ऐसे बकरे दे जी? हां जी ऐसे बच्चे भी तो दिखावे जी। माशाल्लाह बकरी का हवाना तो बाबा जी, बकरी कदे चोई भी है? कोई नहीं तुसा नहीं, वो इनके वास्ते पुछदा पिया रजांदी पई है फालतू दूध शामी चोने है। अच्छा दूध इजाफी हो जाता चार बच्चे चुंगा के? बिल्कुल माशाल्लाह जी, बकरी चेक कर लो, चार बच्चों का पेट भरती पई है। बाकी खुराक बाबा जी की खिला रहे हो? सुबह मकई खुराक बेहतरीन खिलांदे पियो। मतलब पूरी कोशिश, बाकी बाबा जी सर्दी बच्चियां नूं किस तरह बचाइए?
बच्चे जी बेहतरीन उन्हें थले जगह होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए, कबरा उन्हें बंद होना चाहिए। हाँ जी, तो मतलब है उन्होंने सर्दी तो बचाओगे तो ही बचणगे, नहीं सर्दी का बच्चा जरा नुकसान बना। अच्छा, सर्दी तो बच्चा एक बार वो ठंड लग जाए मुड़ को ग्रोथ छट कर बीमारियों का संभालना ही बड़ा। अच्छा अच्छा, तो बाबा जी एक अज अहम जो टॉपिक है उनके आप गुफ्तगु करनी है, वो टॉपिक ये है तो एक तो जी बकरियों की हाइट है उनके बड़ा रौला पिया हो, तुम ग्रुपा च अक्सर सुनते पे हो कि एक तो मैं अज रिकॉर्ड चैक कर रहा है यूट्यूब पर कि बकरी या बकरा जो भलाई वास्ते सामभते हैं वो रिकॉर्ड कि बकरी का आ रहा, कि बकरे का आ रहा, मतलब एक तो राजनपुरी है भी तो जितनिया भी ब्रीड ने तो मैं चेक कर रहा बीतल का जो बकरा से वो रिकॉर्ड पहले नंबर आ रहे गोश्त के हिसाब न, तो अपना मक्खी चीना नहीं आया। तो फिर आप एक तो दुध पिछे हैं, अपनी बकरी दुध भी नहीं दे रही, बीतल इजाफी दे रही है ना मक्खी चीना, तो गोश्त में अगे हो जा रहा है, तो फिर अपनी बकरी का तारीफ करने का की मकसद है? जी बाबा जी मेरी एक गल बुरा ना महसूस कर रहा जी, एक तो आप पे हुए इन्होंने नकौड़ के पिछे कि नकौड़ है, एक इन्होंने सिंह के पिछे पे हुए ते ना ते अपनी बकरी कोल दुध है ना अपनी बकरी कोल गोश्त है, दुध भी है नहीं नहीं बाबा जी जो तो रिकॉर्ड होंदा है रिकॉर्ड दुध चुवाई होंदी है वो तो जेड़ा बावलपुर आज तो 3-4 साल पहले मुकाबला होया सी ओदे च मक्खी चीनी फस्ट आई। बाबा जी अगले दिन जेड़ा होया सी रिकॉर्ड ओदे च मक्खी चीनी नहीं आई, बीतल ही आई सी ना, बीतल दे जिथे ही हो रहा ने रिकॉर्ड उथे मक्खी चीनी पिछे है, पता की उहने दे सगे ना नहीं ओ कोशिश सिर्फ दुध ते कर रहे बाकी किसे गल ते नहीं करदे असी होर पासे हुण मेरे को आम रूटीन च बकरियां हैगियां ना ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 2-2.5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ ਪੱਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਖਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤੀਆਂ ਚ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠ ਹੈ ਜੀ 4 ਦਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਕਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 39 ਇੰਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਵਾਧੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕਰਨਗੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵੇਚ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਦਾਫ਼ਤ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਬੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੀਤਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਤਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਉਹ 47-48 ਇੰਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ 50 ਇੰਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 50 ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਬੀਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ, ਅਸਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ 47-48 ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਮੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਮੈਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ 50 ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠ ਲਈ ਹੈ 38-39 ਇੰਚ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਸਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਬੇਟਾ ਕੈਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਕੀਰ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕੀਰ ਨੇ, ਪੀਰ ਜ਼ਾਦਾ ਮੁਜਤਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਕੀਰ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੱਕਰੀ? ਨਾਰੀ ਨਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ 39 ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਰਾਬਾਦ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ 39 ਦੱਸਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਚਾਰ ਦਾਨ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚ ਤੇ 42 ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਤੀ ਕਰੇ 42 ਹੋ ਜਾਏ शाजी काकी मखनी अपनी बकरी काकी मखनी मखनी अच्छा माशाल्लाह बकरा पहले माशाल्लाह कूंज बकरी तो पकड़ लिया यार कूंज भी दिखा दे बाबा जी खुराक खिला रहे ने यह कह रहे इन लूसन है बरसीन है जी ये खुराक बाकी मक्की तो बाबा जी ने कह दिता कि मक्की तुसी बकरियों खिला सकते हैं कोई जरा इशू नहीं है काफ़ी सारे फार्मर ऐसे होंगे जो तुम मना कर रहे हैं लेकिन मक्की जरा बकरी खिला सकते हैं बाबा जी मक्की किन्नी खिलानी चाहिए जी हम बकरी आ गई है इन अद्धा किलो इस बकरी बाबा जी बाकी इस तू इलावा जो चिचड़ी आंदी है फार्म ते चिचड़ी या ये अपना मेरे नाल पिसू आंदा जेड़ा चिचड़ी ओ की करदे जे तुसी पहले करदा सा मैं एक्टोफू या ये दवाइयां होंदियां सन जी जी ओ 15 दिन सकूरा 15 दिन पर फेर उवें हो जांदा जी जी हुण एक नवी दवाई आई है जी ओदा नाम है वेपन वेपन कमाल दवाई जी हुण मैनूं 6 ओ स्प्रे वगैरह आंदा जी हां जी ओ स्प्रे है किस तरह स्प्रे ते ओ ओदी कोई बोर नहीं हुंदी कोई पता नहीं लगदा दवाई है करे मैं ते बकरियां उत्ते भी करदा बच्चियां ते वाड़े च करदा बकरियां उत्ते ही कर देंदे हो नुकसान नहीं हुंदा कागज के बकरे बड़े कमरे च बंद करके स्प्रे चला दीदा अच्छा अच्छा हां जी ते कोई ओदे कोई साइड इफेक्ट नहीं जी ते 6 महीने हो गए इन्हां नूं कोई पिस्सू नहीं ते खुद पता लगदा 6 महीना तक हो गया टाइम हां जी बड़ा टॉप दा रिजल्ट है साहब मैं सब नूं आवा कहवांगा वो स्प्रे करो ते फायदा भी है अच्छा अच्छा माशाल्लाह ते बाबा जी जड़ी बकरी गब्बन होंदी उनु घी तेल किस तरह होन जे इस तरह मौसम है सर्दी दा होन बकरी इनकी बकरा मैं कदी नहीं जी देता अच्छा दो चार दस होन बंदा दे ले और 17 नु किवे देवे बंदा बिल्कुल ते हुन मिसाल तौर ते बनौला खा रही है जी जी ते बनौला एक मण बनौले च 18 किलो तेल हुंदा बिल्कुल तेल ते दे परया जी तेल ते दे परया हां जी रोज दा 9 किलो तेल ते रंज आ रहा खुराक अच्छी चाहिए खुराक बस अच्छी होनी चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह जी बाबा जी ये केड़ी पाठ है जी आ जड़ी दिखांदे पे कूंज दी कूंज ते दर्शन दर्शन और मलूक पहले दिखाए से जी पहली वीडियो च एक रास हो गई है जी अच्छा ये वाली जड़ी थोड़ा ही देखो माशाल्लाह पाठ खूबसूरत है जी ये वाली मुंह थोड़ा माशाल्लाह ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰੂਬੀ ਬੱਕਰੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਰੂਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਲੂਕ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਲੇ ਖੀਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੀਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਆ ਤੇ ਕੱਪਣ ਆ ਪਿਛਲੀ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਪਤਾ
ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਲਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਟੌਕਸਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਥੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਾਬ ਬੱਕਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥ ਲੈ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਬਹਾਵਰ ਨਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟੋਕ ਆਈ ਡੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਬਹਾਵਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਦੁਆਇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।